हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपको देनी हो कि ऑक्सीकारक और अपचायक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग जो एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं। इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाते हैं। देखिए, कोई भी जब अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर अगर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन। अब सर आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, हमने यहां इसको डिटेल से दूसरे वीडियोस के अंदर समझा रखा है, अगर आपको देखना हो तो वो देख लेना। आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि ऑक्सीकरण कब होता है, जब किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर ऋण विद्युती भाग जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है उसकी भी क्या होती है, वृद्धि, या फिर हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है, या फिर धन विद्युती भाग की कमी क्या होती है, कमी। इन चारों कंडीशन के अंदर अगर एक भी फुलफिल होती है तो हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वृद्धि किस किस की, ऑक्सीजन की और ऋण विद्युती भाग जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो होता है उसकी वृद्धि हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो रही, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रही हो, या फिर धन विद्युती भाग की कमी हो रही हो। ये तो हो गया क्या, ऑक्सीकरण। अब अपचयन में इसका अपोजिट होता है, यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन की अधिकता, हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगी, जुड़ेगी इसके अंदर। या फिर यहां पर धन विद्युती भाग की कमी थी, यहां पर धन विद्युती भाग जो है उसकी क्या होगी, अधिकता होगी, वृद्धि होगी। धन विद्युती भाग की यहां पे क्या थी, कमी ऑक्सीकरण के अंदर, और यहां पे क्या होगी, धन विद्युती भाग की वृद्धि होगी। यहां पर ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगा। या यहां पर ऋण विद्युती भाग की क्या हो रही थी, वृद्धि, यहां पर क्या होगी, कमी, ऋण विद्युती भाग की क्या होगी, कमी होगी। तो कहने का मतलब ऑक्सीकरण जो है वो अपचयन का उल्टा है, ऑक्सीकरण जो है वो अपचयन का उल्टा है, या फिर ऐसे बोल दो अपचयन जो है वो ऑक्सीकरण का उल्टा है। यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, वहां पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऋण विद्युती भाग की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऋण विद्युती भाग जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उसकी कमी हो रही है, यहाँ पे धन विद्युती भाग की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे धन विद्युती भाग की कमी हो रही है। तो ऑक्सीकरण अपचयन का उल्टा होता है। लेकिन जब कोई अभिक्रिया जो है अगर वो संपन्न हो रही है, उसके अंदर अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सीकरण अपचयन का उल्टा है, या फिर ऐसे बोल दो अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा है, एक ही बात है। अगर कोई अभिक्रिया होती है तो अगर किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका अपोजिट कौन हुआ, अपचयन। तो यानी कि दूसरे पदार्थ का क्या हुआ, दूसरे पदार्थ का हो गया अपचयन। अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है किसी भी अभिक्रिया के अंदर, तो इसका मतलब ये तो हो गया पदार्थ एक, ठीक है, तो दूसरे पदार्थ का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब सर कैसे, मान लो कि एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीजन अगर किसी बी के साथ पहले से ही है तो ये इससे जाकर तभी तो इस पर जुड़ेगा, तो यहां पर तो क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी, बी पर तो ऑक्सीजन की क्या हो गई,
कमी, तो ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन। और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो यहां पर बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और जब एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा है। और अगर कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हो तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब सर ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं? देखिए अभी हमने बात की कि अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है और सामने वाली चीज का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो जैसे ए जो है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अब अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये सामने वाले का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो ए जो है वो क्या करने में समर्थ हुआ, अपचयन करने में समर्थ हो गया, क्योंकि इसका खुद का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन सामने वाले का ये क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। मेरा अगर ऑक्सीकरण होता है तो इसका मतलब मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, अपचयन कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, अपचायक, अपचयन करने वाला। तो अगर किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है तो मैं कौन हो गया, अपचायक, अपोजिट हो गया ऑक्सीकरण का अपचायक और अपचयन का ऑक्सीकारक। दोबारा से समझ लो, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, अपचयन, तो मैं कौन हो गया, अपचायक, अपचयन करने वाला। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, अपचयन कर रहा हूं, तो मेरा खुद का तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और मैं कौन हूं, अपचायक, सामने वाले का क्या हुआ, अपचयन हुआ। जैसे मान लो मैं अगर अब मेरा अपचयन हो रहा है तो मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला। तो यहां पे जो अपचयन है, जिसका अपचयन हो रहा है वो तो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही है इसलिए इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह रहे हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो मैं सामने वाले का अपचयन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन हो गया, अपचायक, अपचयन करने वाला। तो अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा, और मैं क्या कहलाऊंगा, अपचायक। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से सामने वाले का अपचयन हो रहा है, तो मैं कौन हो गया, अपचायक, अपचयन करने वाला कहलाता। इसी प्रकार से किसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है तो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो मैं कौन हो गया, ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण कर रहा हूं, मेरा खुद का तो अपचयन हो गया लेकिन मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, ऑक्सीकरण कर रहा हूं, और इसकी वजह से मेरे को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाला। सामने वाले का जो हम करते हैं, हमारी वजह से जो सामने वाले का हो रहा है, हम वो कहलाते हैं। मेरा अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो मेरे को क्या बोलेंगे, अपचायक। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं, अपचयन कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, अपचयन करने वाला, अपचायक। अगर मैं सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया, ऑक्सीकारक, और मेरा खुद का क्या हुआ, अपचयन। उल्टा होता है। तो देखिए अगर अपचयन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे, यानी कि अगर मेरा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है तो मेरे को बोलेंगे ऑक्सीकारक, अगर मेरा ऑक्सीकरण हो रहा है तो मेरे को बोलेंगे अपचायक। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, 2HgCl2 plus SnCl2, HgCl2 plus SnCl4 हो गया इसके अंदर। अब यहां पे याद रखना HgCl2 और SnCl2 यहां पे काम कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस अभिक्रिया के अंदर जो HgCl2 है, HgCl2 है वो ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है,
में उसका अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि HgCl2 का Hg2Cl2 में अपचयन हो रहा है। अगर मेरा अपचयन होता है तो मैं क्या हो गया? ऑक्सीकारक, क्योंकि मैं सामने वाले का क्या कर रहा हूं? ऑक्सीकरण कर रहा हूं। तो यहां पे HgCl2 जो है उसका अपचयन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। SnCl2, अब ये क्या कहलाएगा? SnCl2 क्या कहलाएगा? ये अपचायक कहलाएगा। तो HgCl2 तो क्या है? ऑक्सीकारक है, और SnCl2 क्या है? अपचायक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2Ki + Cl2 ये रिएक्शन करके I2 + KCl बना लेंगे। यहां पे Ki जो है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, और चूंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अपचायक, क्योंकि सामने वाले का ये क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। तो इसका खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक का कार्य करेगा। और Cl2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ये सामने वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। कुछ पदार्थ ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हो सकता है ऑक्सीकारक का काम करें। ऑक्सीकारक का मतलब उनका खुद का तो क्या हो रहा है? अपचयन, लेकिन सामने वाले का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी दूसरी अभिक्रिया के अंदर वो अपचायक का काम भी कर ले, सामने वाले का क्या कर दे? अपचयन कर दे, खुद का क्या हो जाए? ऑक्सीकरण हो जाए। तो ये भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पदार्थ के बारे में ऐसे बोले कि भाई ये तो केवल अपचायक का ही काम करता है सदैव, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी दूसरी अभिक्रिया के अंदर वो ऑक्सीकारक का काम कर सकता है। अब देखिए उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, H2O2 जो है, उसके ऑक्सीकारक गुण बताते हैं। उसको कब बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है? क्यों? क्योंकि वो सामने वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। H2S किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? H2O2 के साथ, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया करके S H2S बनाता है। यहां पे हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, और जब हाइड्रोजन बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो अगर ये सामने वाले का H2O2 की वजह से क्या हो रहा है? H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। इसी प्रकार से अगर Na2SO3 है, वो H2O2 के साथ क्रिया करता है, तो Na2SO4 plus H2O बनाता है। तो यहां पर जो Na2SO4 है उसका ये क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है, इसकी वजह से H2O2 क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। अपचायक गुण देखिए H2O2 का, H2O2 क्रिया कर रहा है किसके साथ? Cl2 के साथ, और क्या बना रहा है? HCl और O2। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये यहां पर क्या कर रहा है? अपचायक का काम कर रहा है। ये सामने वाले का क्या कर रहा है? अपचयन कर रहा है। यहां पे तो ऑक्सीजन क्या कर रही थी? हाइड्रोजन जो थी वो बाहर निकल रही थी, यहां पे ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है? अपचायक का काम कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर ये कैसा कर रहा है? सामने वाले का अपचयन कर रहा है। तो कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकते हैं। अब आपकी क्लास टेंथ के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, वो देख लेते हैं। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण ले और इसे गर्म करें। हमने यहां पे एक चाइना डिश ली है, एक गिलास वो लिया है, कप लिया है, और फिर इसके अंदर कॉपर डाल के उसको गर्म कर रहे हैं। सीधा सा ये एक्टिविटी है। अब हम क्या देखते हैं? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड सेकंड की काली परत बन जाती है। जो कॉपर चूर्ण हमने लिया था उसके ऊपर क्या होता है? उसकी सतह के ऊपर कॉपर जो ऑक्साइड है सेकंड, उसकी काली परत जम जाती है। यह काला पदार्थ क्यों निर्मित हुआ, हमारे को यह बताना है। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन से संयोग करके बनता है। जो हमने क्या लिया था? कॉपर ऑक्साइड जो लिया था हमने, उसके अंदर जो कॉपर लिया था वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यहां पे कॉपर है जो हमने उस कटोरी के अंदर लिया था, और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है गर्म करने पर, तापन का मतलब गर्म करने पर। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया,
अगर इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करे, अगर ये CuO बन गया, अब बाहर से अगर हम इस पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, कहने का मतलब हाइड्रोजन बाहर से इसके अंदर प्रवाहित करेंगे, तो सतह की काली परत का रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में विपरीत अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब हम यहां से बाहर से हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। अगर यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम हाइड्रोजन प्रवाहित करके अपचयन कर देंगे उसका, तो ये हमारे पास जो काला रंग है वो कम पड़ जाएगा। तो यहां पे देखिए CuO जो है वो H2 के साथ क्रिया करके और CuH2O बना लेता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रहा है, और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम अपचयन बोलते हैं। हमने शुरू में बात की थी ना कि भाई अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसको तो बोलेंगे ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है तो उसको उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगर ऑक्सीजन बढ़ती है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है या फिर उपचयन कहा। यहाँ पे शब्द पे ध्यान देना, उपचयन लिखा है इसने, उपचयन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और अगर अपचयन है इस प्रकार से अपचयन, उसको बोलते हैं इसका अपोजिट, यानी कि ऑक्सीकरण का अपोजिट। ये उपचयन है जिसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। आप उपचयन को सीधा ऑक्सीकरण याद रखो, और अपचयन तो आपको समझ में आता ही है। तो अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है, ऑक्सीजन करण अगर जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, और अगर अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की हानि होती है यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन। उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। अभिक्रिया में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में यानी कि CuO में ऑक्सीजन की हानि हो रही है, अतः अपचयित हुआ है। CuO से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, अतः यह उपचयित हुआ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन थी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई। तो ऑक्सीजन की जब बढ़ोतरी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, अपचयन। और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। दूसरे शब्दों में किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, यहां पे उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण है, और दूसरा अभिकारक यानी कि अपचयित होता है। तो यानी कि एक चीज का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरी चीज का अपचयन होता है, यानी कि एक चीज तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है और एक चीज अपचायक की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार से उपचयन अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और जब किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं अगर साथ साथ संपन्न होती हैं, किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन, ध्यान दे, किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अगर साथ साथ संपन्न हो रही हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के अंदर अगर एक चीज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरी चीज का अपचयन हो रहा है, और अगर किसी चीज किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ संपन्न हो रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अब सर इसका उदाहरण बता दीजिए, जैसे CuO जो है वो H2 के साथ क्रिया करके Cu plus H2O बनाता है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया था अभी, जो एक्टिविटी की थी। अब CuO जो है वो ऑक्सीजन त्याग कर कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसको इसमें क्या हो गया, अपचयन। CuO जो है वो Cu में कन्वर्ट होके क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। H2 जो है वो उस ऑक्सीजन को जोड़ लेती है अपने साथ, यानी कि H2 के अंदर जो है ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि।
और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी